हेलो डियर डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं मॉडल पेपर जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक आप वॉच करेंगे, साथ ही इसका जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर जाकर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जहाँ पर ये PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, 3 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होता है। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन जहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, साथ ही 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका रहता है शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जहाँ पे आपको 11 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। फिर आते हैं आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप और साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन सभी को आज हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए जो सबसे ईजी हो उसे ही आप लोग को सॉल्व पहले करना चाहिए जहाँ पर आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये जो आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, इट मीन्स जो आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे 1 नंबर भी आपको मिलता है, यही आपके जो नंबर हैं वो आपको आगे चलकर क्या करेंगे, आपका जो नंबर है उनको इंक्रीज कराएंगे। तो इनको अच्छे से आपको ध्यान देना है और सबसे पहले इसी को आप लोग कर जाइए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज, बॉडी का जहाँ पर हम फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, क्या कुछ पार्ट है, पार्ट का कैसा स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर एनाटॉमी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहीं पर बोला जाता जब हम फंक्शन की स्टडी करते हैं, कौन सा बॉडी पार्ट है, क्या इनका काम है, जब हम फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ध्यान देंगे दोनों टर्म से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर दिया गया है आपका हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी जहाँ पर हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए देन दिया है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन्स सेल, सी फॉर सेल, तो जहाँ पर हम सेल की स्टडी करें ऐसा साइंस क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो सभी ऑप्शंस को देखते चलिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है ये पूछा गया। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन देखते जाते हैं। दिया है ब्लड, बोन, कार्डियक मसल एंड एडिपोज टिश्यू, तो ऐसा टिश्यू जो कि कनेक्टिव नहीं है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये होगा आपका कार्डियक मसल। ठीक है, आगे बढ़े, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एयर एंड लंग इज कॉल्ड एज, जब लंग और जो एयर है उनके बीच में गैसेस एक्सचेंज मीन्स एटमोसफियर से जब लंग के साथ गैसियस एक्सचेंज होता है तब ये क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, बट वहीं पर आता आपका क्वेश्चन, यदि जो टिश्यू है टिश्यू में जो गैसेस एक्सचेंज ब्लड के साथ हो रहा है, टिश्यू क्या करेगा, अपना जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल कर ब्लड से ऑक्सीजन लेगा, तो इस प्रकार से जो इंटरनल हो रहा है रेस्पिरेशन इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे जब टिश्यू और ब्लड में हो। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एयर एटमॉस्फेयर से लंग के साथ जब गैसियस एक्सचेंज हो तब उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर आप सभी, आगे बढ़ते जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, कौन से पार्ट में गैसियस एक्सचेंज होता है, लंग में। ठीक है, आप सभी जानते हैं आपके लंग में जिसको हम फेफड़े कहते हैं इनमें होता है गैसियस एक्सचेंज, तो इसमें क्या होता है एक पॉकेट लाइक, ठीक है, थैली के समान स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, यहीं पर सारा गैसियस एक्सचेंज चलता है। ओके, तो ये आपका एल्वियोलाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते जाइए, इसी प्रकार से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा बस आपको ध्यान लगाना है यहाँ पर। नेक्स्ट फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हिंग जॉइंट इज, ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कुछ दिया है यहाँ पर, तो देखिए नी जॉइंट जो होता है घुटने का जो जोड़ है उसे ही हम हिंग जॉइंट कहते हैं।
नेक्स्ट है डेस फोकसेस लाइट इन रेटिना, ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि रेटिना में लाइट को फोकस कराता है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आयरिस है, कॉर्निया है, सिलियरी मसल है, तो आपका कॉर्निया हो जाएगा करेक्ट आंसर। कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जो कि रेटिना में लाइट को फोकस कराने का काम करती है, ठीक है। चलिए, द कलर डिफ्रेंसिएशन इज डन बाय, कलर डिफरेंस यदि करना है तो किनके थ्रू किया जाता है, ऑप्शन है रोड्स, कोन्स, बायपोलर नर्व सेल्स एंड पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो ये जो कोन होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके कलर के लिए, ये सभी जो रंगीन नज़र आ रही है, कलरफुल चीज़ें सब दिखाई आपको पड़ रही हैं, ये कोन्स के लिए, कोन्स जो सेल हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, थीके? यहाँ क्लियर, आगे बढ़िए। दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन है एड्रिनल, पिट्यूटरी, लैक्रिमल एंड थायराइड, तो क्या है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा लैक्रिमल। ओके, एड्रिनल ग्लैंड होता है आपका एंडोक्राइन, ये क्या होंगे ऐसे डक्टलेस ग्लैंड होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि क्या होगा यहाँ पर एक प्रकार से मैसेंजर है, ये हार्मोन रिलीज होता है यहाँ पर से, ओके, और ये क्या होगा एक स्पेसिफिक साइड में रिलीज होता है और पूरे बॉडी में फिर डिस्ट्रीब्यूटें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, ये सभी एड्रिनल ग्लैंड है बट आपके लैक्रिमल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंटेन द बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज कौन सा ऑर्गन है जिनमें प्रेजेंट होता है, ऑप्शन दिया है पैनक्रियाज, ब्रेन, किडनी और हार्ट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हार्ट, हार्ट में बंडल ऑफ हीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते जाएं, आगे है आपका एल्बो जॉइंट इज विच टाइप ऑफ जॉइंट, एल्बो जॉइंट कौन सा जॉइंट है, चलिए आंसर करते जाइएगा भाई, आंसर भी साथ ही, क्योंकि ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर से चेक करूंगी कि आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका एल्बो जॉइंट होता है वो हिंग जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फैट बिगिंस इन, जो डाइजेशन है फैट का वो कहाँ पर से स्टार्ट होता है, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है एंड ड्यूडेनम है, तो ये जो फैट है उनका आपका ड्यूडेनम से होगा, वहीं पर स्टार्ट पूछा जाता है तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फैट आया है। नेक्स्ट है द हेलो स्पेस, होलो स्पेस इन द मिडल ऑफ बोन इज फिल्ड विथ, ठीक है, बोन के मिडल में क्या कुछ फील्ड होता है, तो बोन मैरो, ठीक है, सिंपल सा आंसर बोन मैरो होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्किन, इनमें से कौन सा स्किन का काम नहीं है, हमेशा क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार देखना, नॉट लिखा है कि क्या कुछ है, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट है देखिए, उसके बाद आपका कैल्शियम प्रोडक्शन लिया है, प्रोटेक्शन दिया है, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट दिया है, टेम्परेचर रेगुलेशन, तो ये जो स्किन है वो कैल्शियम का प्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, बट एक्सक्रेशन करता है वेस्ट, मतलब जैसे कि पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं वेस्ट, तो वो एक्सक्रेशन हुआ, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन, तो प्रोटेक्ट ही करेगा हमारे सभी ऑर्गन को, तो इस प्रकार से ये सभी फंक्शन है, कैल्शियम प्रोडक्शन इनका काम नहीं होता। क्लियर है आप सभी, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एन इसोफेगस टू हेल्प द फूड डाउन टू द GI ट्रैक, जो इसोफेगस, जो आपका फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो जो इसोफेगस का मूवमेंट है, इस प्रकार से मूवमेंट होता है आपने देखा है, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है जिससे कि फूड कहाँ जा पाता है आपके स्टमक में, ठीक है, GI ट्रैक में जा पाता है, तो ये जो मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है, ये मूवमेंट है जिससे कि फूड है जो कि GIT में पहुंचता है। ओके, आगे बढ़े, द स्प्लीन सिचुएटेड एट, स्प्लीन कहां पर प्रेजेंट होता है, ओके, यहां पे देखिए दो ऑप्शन में दिया है, इसमें से आपको टिक करना है एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है आपका स्प्लीन, क्लियर हो, ओके। द ब्लड वेसल विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग इज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, याद करेंगे, ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर जाएगा, हार्ट तक, तो वो क्या कहलाता है आपका, ये पल्मोनरी, देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है जो कि क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको क्या करेगा, ये हार्ट तक लेकर जाता है। ओके, नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिलीज होता है, ये आपका एसिटाइल कोलिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डैस इज हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टिस, टेस्टिस से सेक्रेट होने वाला हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है।
ओके चलिए, और ओवरी पूछा जाता तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रोजेस्टेरोन, तो वो ओवरी हो जाता। देन है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नोन एज, ह्यूमन किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। यहीं पर सारे फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन और आपके रीअब्जॉर्प्शन सारे प्रोसेस यहीं पर होते हैं, तो ये नेफ्रॉन होगा इनका फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग बाय द फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड। एक बार जब हम सांस लेते हैं तो जितना वॉल्यूम मैक्सिमम आ पाता है वो क्या कहलाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। भाई लंग की जितनी कैपेसिटी रहेगी उतना ही तो वो एयर लेगा ना एक बार में, तो ये क्या हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर, तो ये जो आपका आंसर्स हैं डायरेक्टली दे दिया गया है। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर से कमेंट करके आंसर करते जाएंगे। अब हम चलेंगे जो आपका लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन है और शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप किस प्रकार से आंसर आपको करना है। ठीक है, तो डिफाइन स्केलेटन, स्केलेटन क्या है, और देखिए बोन्स बताना है, एक्सियल बोन और आपके अपेंडिकुलर बोन कितने होते हैं। एक्सियल बोन आपका कितना होता है 80, अपेंडिकुलर कितने हैं 126। ठीक है, तो इस प्रकार से बताना है अच्छे से, चाहे तो डायग्राम के थ्रू बताइए और भी अच्छा नंबर आपको दिया जाएगा। नेम द वॉल्स एंड चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, बहुत अच्छा, हार्ट का एक सुंदर सा नेम पूरा लिखा हुआ डायग्राम बनाइए, पूरे वॉल्व को बताइए कितने क्या कुछ वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सभी को अच्छे से इंडिकेट करिए, और कार्डियक साइकिल को बताइए किस प्रकार से जो ब्लड है वो इंटर होता है आर्टरीज में, वेंट्रिकल कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, फिर उसके बाद कैसे वो ब्लड फिल्ट्रेशन होते हैं। तो ये सुंदर सा एक डायग्राम बनाकर ये जो फ्लो चार्ट के रूप में लिखेंगे आप कार्डियक साइकिल को, तो बहुत अच्छा नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फिजियोलॉजी आपको लिखना है, साथ ही साथ इमेज बनाते हुए लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा आपका कॉपी लगेगा और आपको ज्यादा लिखना भी नहीं होगा, आप इमेज के थ्रू ही चीजों को समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप सभी जानते हैं कैल्शियम रिक्वायर होता है, तो क्या किस प्रकार से रोल होता है, किस प्रकार से कॉन्स्ट्रिक्शन ये करता है, इनके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेम फोर फंडामेंटल टिश्यू ऑफ बॉडी। बॉडी के जो चार टिश्यू हैं अपने, मैं जस्ट आपको अभी जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, इन सभी का आंसर साथ ही साथ आपको लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस में मिल गए हैं, जो कि GDC ट्यूटर में पहले ही अपलोड कर दिया गया है, उनकी PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी गई है, वहां पर से जाकर इनका आंसर कैसे करना है ये आप देख सकती हैं। ठीक है, चलिए तो देन उसके बाद स्मूथ और स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल में आपको डिफरेंस भी बताना है। एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ये आपको पूरे प्रोसेस बताना है, फ्लो चार्ट का यूज करिएगा तो आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सिंपल सा पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाइए, साथ ही लोब बताइए कि आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन जो हैं उनको लिखिए। ठीक है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से इनलिस्ट किया हुआ है शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में, तो एक बार वहाँ से इनका आंसर देख लेंगे किस प्रकार से आंसर करना है, सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आएंगे हम पार्ट थर्ड में हमारे, जहाँ पे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हमें करना है। याद रखिएगा शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन 10 आपको सॉल्व करना है, तो आपको टाइम डिवाइड कर लेना है, ज़्यादा आंसर नहीं करना है, एक ही पेज का करिए, क्योंकि ज़्यादा आप यदि करेंगे तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा और दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो चलिए देखिए, नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बताना है और फंक्शंस बताना है, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब बताइए कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू आपका क्या होता है, हार्ट रेट। ठीक है, ये आपका होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये आपको डिफाइन करना है स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, पर मिनट वेंट्रिकल में कितना कुछ जो ब्लड है वो फिल्टर होगा, ये कहलाएगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर BP क्या होता है, तो ब्लड के द्वारा डाला गया प्रेशर किसमें, आर्टरीज में, ये कहलाते हैं ब्लड प्रेशर। तो इनको आपको डिफाइन करना है, एक एक नंबर का है, थोड़ा थोड़ा डिफाइन इनको कर दीजिए। वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल। सेल का डायग्राम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, एक तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी अपरेटस, इनका आपको जरूर से क्या कर लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीन जो स्ट्रक्चर है उनको लेबल डायग्राम के साथ अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आते ही हैं।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपल एपिथेलियम. ठीक है, सिंपल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर बनाइए सिंपल सा और इनका फंक्शन लिख जाइए 2-3. ठीक है, क्लियर. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ब्रीफली. इन सारे क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर में भी आने के चांस है, तो कैसे कुछ आंसर करना है लॉन्ग आंसर में ये भी आपको बताया गया है लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में, वहाँ पर आप देख लेंगे. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता देना है. एक्सप्लेन 3 फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम के 3 आपको फंक्शन बताने हैं. ठीक है, ओके चलिए. एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ टीयर्स ऑफ स्टमक ब्रीफली. स्टमक का यहाँ पे आपको बताना है इनके सेल्स के साथ, जो आपके इनके चीप सेल है, पैराइटल सेल्स हैं, इनके साथ इनका स्ट्रक्चर मतलब कि डायग्राम बनाना है. ठीक है, देन दिया है लिस्ट ऑफ बोन ऑफ स्कल. स्कल में कितने बोन होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे. ठीक है, डिफ्रेंशिएट सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में डिफरेंस करना है. ठीक है, मैंने ये भी अच्छे से बताया हुआ है शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में टेबल के थ्रू. ठीक है, कि सिंपैथेटिक का क्या होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, पैरासिंपैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करता है. ठीक है, साथ ही सेक्रेशन की बात करेंगे, गैस्ट्रिक सेक्रेशन, तो पैरासिंपैथेटिक इंक्रीज करता है और सिंपैथेटिक डिक्रीज करेगा सेक्रेशंस को. और यदि आई की बात करें तो पैरासिंपैथेटिक में क्या होगा, आई का साइज छोटा हो जाता है. ठीक है, मायोसिस जिसे कहते हैं, और सिंपैथेटिक सिस्टम में बड़ा हो जाता है जिसे माइड्रेसिस कहते हैं. तो इस प्रकार से 3-4 डिफरेंस लिखना, 3 नंबर का है तो कल भी आपको लिखना है. डिफाइंड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन क्या होता है, और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को आपको बताने हैं. ठीक है, जो आपका जैसे कि प्रोलैक्टिन, ठीक है, लिखते जाइएगा, प्रोलैक्टिन हो गया, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इनको आप लोग इनलिस्ट करिएगा. हार्मोन क्या होता है ये बताइए, और इन सभी का आंसर आपको पीडीएफ में दे दिया गया है. डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नोज. नोज का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बनाना है. मैक्सिमम टाइम नोज या फिर आई का आता है, आई का ज़्यादातर आता है, ईयर का भी आ जाता है, तो इनको देख कर जाइएंगे. ठीक है, अब मिक्चुरेशन किसे कहते हैं. ठीक है, मीन्स ये क्या होता है, जो आपका जैसे आपने फूड लिया, ठीक है, तो फूड लेने के बाद जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इनको चबाने में, ठीक है, और इनको जैसे कि जिससे कि वो इजली से निगल सकें, आप स्वालोइंग उनका कर सकें, अच्छे से उनको निगल सकें और आपके स्टमक तक वो पहुंच सके, तो इसमें जो मसल इन्वॉल्व होते हैं ये सारी चीज़ें, 4 मसल इन्वॉल्व होती है, तो ये प्रोसेस कहलाता है मिक्चुरेशन का. ठीक है, चबाना जिसको हम कह सकते हैं. तो आपको छोटा सा नोट बनाकर यहाँ पर लिखना है और चारों बोन के बारे में लिख जाइएगा. तो फिर इस प्रकार से आपको पूरे नंबर अच्छे से मिलेंगे. ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से इनको आप लोग एक बार देख कर जाएंगे, इनसे क्वेश्चन आने के चांस है. और किस प्रकार से आंसर करना है ये आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ पर जाकर आप शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन के PDF दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर इसको आप लोग ले सकते हैं. ठीक है, और एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कुछ आंसर करना है जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकें. तो ज़रूर से इसी प्रकार से आप स्टडी करते रहिए. आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा. और साथ ही यदि किसी भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर रिक्वायर है तो आप ज़रूर से यहाँ पर कमेंट करेंगे, जिससे कि हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर सकें. ऑल दी बेस्ट.